हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 1 4 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है पदार्थों को समूह से अलग करना। सभी बच्चे जानते हैं हमारे चारों तरफ बहुत तरह के पदार्थ हैं और उनको किस तरह से हम जो है इकट्ठे, अगर वो इस तरह से पड़े हुए हैं तो कैसे हम उनको समूह से अलग अलग करके ऐसे व्यवस्थित रूप में लगा सकते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। सो सभी बच्चे अभी 6th में जो न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन जिन्होंने लिया है, आप सबका स्कूल में आपका क्या है, स्वागत है। ठीक है, तो आपकी ये साइंस की फर्स्ट वर्कशीट है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, दिए गए चित्रों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब आपको यहाँ पर चित्र एक और चित्र दो, दो चित्र यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप चित्र एक और दो में क्या देखते हैं? तो बेटा आप चित्र एक और दो में यहाँ पर क्या देखते हो, ये आपको लिखना है। आपको लिखना है कि हम चित्र एक और दो में क्या देख रहे हैं। चित्र एक और दो में फल और सब्जियां जो है उनको देख रहे हैं। तो आप लिख देंगे हम फल और सब्जियों को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या दोनों चित्रों से वस्तुएं ढूंढना आसान है? तो बेटा इस अगर आपसे जो है कोई वस्तु मांगी जाती है तो क्या इस चित्र में से और इस चित्र में से आप जल्दी किस में से ढूंढ पाओगे? तो ऑब्वियसली आप चित्र दो में से जल्दी ढूंढ पाओगे। तो आप लिख देंगे कि नहीं, हम चित्र दो, ठीक है, हम चित्र दो से जल्दी ढूंढ सकते हैं। तो आप लिख देंगे हम चित्र दो से जल्दी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट दिया गया है, चित्र एक चित्र दो से किस प्रकार अलग है? तो आप लिख सकते हो ये चित्र एक है, ये चित्र दो है। तो चित्र एक और दो किस प्रकार अलग है? तो आप लिख देंगे चित्र एक में वस्तुएं अव्यवस्थित हैं, अव्यवस्थित हैं, ठीक है, जबकि चित्र दो में कैसी हैं? चित्र दो में व्यवस्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर तीन, किस चित्र में वस्तुओं को खोजना आसान है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा चित्र दो में वस्तुओं को खोजना आसान है क्योंकि ये किस रूप में है, ये व्यवस्थित रूप में है। नेक्स्ट है, आपके अनुसार प्रश्न जो है चार का कारण क्या हो सकता है? तो बेटा यहाँ पे प्रश्न चार का कारण तीन का कारण होगा, यहाँ पे चार की बजाय तीन का कारण, यानी चित्र दो में वस्तुओं को खोजना आसान है तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि, क्योंकि चित्र दो में वस्तुओं को समूह में रखा हुआ है, ठीक है, समूह में रखा हुआ है। तो ऐसे बिखरी नहीं पड़ी हैं वस्तुओं को, जो है प्रॉपर समूह में यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, दोनों जो चित्र दिए गए हैं, चित्र एक और चित्र दो, उनको देखकर यह पाया गया है कि सब्जियां एक दूसरे से रंग, आकार और बनावट आदि में भिन्न है, इसलिए उन्हें व्यवस्थित करने और समूह बनाने से उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। तो अगर वस्तुएं ऐसे बिखरी हुई हैं तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वस्तुएं जो हैं उनके समूह बना दिए जाएं, जैसे यहाँ पर देखिए समूह बनाए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये चित्र, तो इस तरह से उनको ढूंढना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। सो अब आप करेंगे, देखिए किसी आधार पर वस्तुओं को छांटना, उनका समूह में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। तो किसी भी आधार पर, वो चाहे रंग के आधार पर छांटी जाएं या उनको उनकी बनावट के आधार पर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम वर्गीकरण कहते हैं। आइए इसे करें, इन दो वस्तुओं के समूह को देखिए, एक समूह लाल टमाटर का है और दूसरा समूह लाल गेंदू का है। तो देखिए ये क्या है, ये लाल टमाटर है और ये क्या है, ये जो है गेंद है, लाल गेंद है। आपको उन्हें अलग करना है, सोचकर लिखिए कि उनके बीच क्या क्या समानताएं और असमानताएं हैं जो आपको उन्हें समूह बनाने में मदद करती हैं। तो आपको यही लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि रंग में क्या समानता है, क्या असमानता है। तो बेटा रंग में दोनों की समानता है,
ठीक है, दोनों जो है लाल हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो गेंद है वो ज्यादा लाल है, जबकि टमाटर जो है वो गेंदों से कम लाल है। ठीक है, सो बेटा आप यहां से देखें, यहां से आप लिख देंगे कि जो रंग है दोनों में समानता तो है कि वो ज्यादा जो है दोनों कैसे हैं, दोनों लाल हैं, तो आप लिख सकते हैं कि दोनों लाल हैं, लेकिन दोनों लाल हैं लेकिन असमानता क्या है, थोड़ा सा जो गेंद का कलर है वो बिल्कुल रेड होगा, जबकि जो टमाटर है वो जो है पूरी तरह से हो सकता है लाल ना भी हो, तो यहाँ पे कुछ असमानता होगी। नेक्स्ट देखिए आकृति, गेंद जो है वो क्या होंगे, बिल्कुल गोल है, अगर आप ध्यान से देखें तो गेंद बिल्कुल गोल है, टमाटर बिल्कुल गोल नहीं है। साइज देखिए, टमाटर का आकार गेंद से अलग है, ठीक है, टमाटर छोटे बड़े हो सकते हैं, जो गेंदों का आकार है वो एक समान होगा। खाने वाली चीज, टमाटर जो है वो खाने की चीज है, जबकि गेंद वो खेलने की चीज है, खाने की चीज नहीं है। तो इस तरह से हम ये जो हमारे पास दिए गए हैं टमाटर और गेंदों का समूह, उनको हम अलग-अलग कर सकते हैं। संकेत, तो यहाँ पे आप जो है और भी गुणों का प्रयोग कर सकते हो, जरूरी नहीं है केवल इनको अलग अलग करने के लिए, और चीजों को अलग अलग करने के लिए आप यहाँ पर उनका प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे देखिए कोमल और कठोर गुण का, टमाटर कोमल होगा, गेंद जो है वो कैसी होगी, वो कठोर होगी। ठीक है, खुरदरा चिकने का प्रयोग हो सकता है, कोई किसी पदार्थ के लिए घुलनशील हो रहा है, घुलनशील का प्रयोग हो सकता है, भारी और हल्के का हो सकता है, पारदर्शी और अपारदर्शी का भी हो सकता है। पारदर्शी कौन सी वस्तुएं होती हैं, जिनमें से हम आर पार देख सकते हैं, और अपारदर्शी जिनमें से हम आर पार नहीं देख सकते। वस्तु के आकार और रंग में समानता के बावजूद भी वे अभी भी एक दूसरे से अलग हैं, तो इनके देखिए रंग में कुछ समानता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग जो है वो दिखाई देते हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, काफी इजी वर्कशीट है ये, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।